नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो चुनावी साल है, लिहाजा फरवरी के महीने में भी सियासी पारा उफान पर है। देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर अपना दमखम दिखाने के लिए राजनीतिक दलों ने अभी से तिकड़मबाजी शुरू कर दी है। 27 फरवरी को होने वाला राज्यसभा चुनाव लोकसभा के चुनाव से पहले का सेमीफाइनल समझा जा रहा है, जिसके चलते 10 सीटों के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। यही वजह है अब ना कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन। ऐसा ही कुछ हो रहा है कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया के साथ। कभी कथित तौर पर कुंडा का गुंडा कहे जाने वाले राजा भैया अब सबके प्यारे हो गए। क्या सपा क्या भाजपा, आजकल सभी राजनीतिक दल राजा भैया के घर के चक्कर लगा रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। खबरें मिल रही हैं कि जहां एक तरफ टीपू बाबा ने अपने एक संदेशवाहक को दोस्ती का पैगाम लेकर बाहुबली नेता के पास भेजा है, तो वहीं योगी बाबा भी राजा भैया पर फुल डोरे डाल रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान होना तय हो गया है, जिसके लिए कुल 11 प्रत्याशी मैदान में। मंगलवार को नाम वापसी लेने का अंतिम दिन था, लेकिन किसी ने नाम वापस नहीं लिया और 10 राज्यसभा सीटों के लिए सपा ने 3 और भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। विधानसभा के गणित के मुताबिक सपा को अपना तीसरा कैंडिडेट जिताने के लिए 4 वोटों की कमी पड़ रही है, तो वहीं भाजपा को अपना 8वां प्रत्याशी जिताने के लिए 9 वोट चाहिए। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने पीडीए को मुद्दा बनाकर खुलेआम अपनी ही पार्टी को वोट न देने का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में दोनों ही पार्टियों को राजा भैया की बहुत याद सता रही है। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और मतगणना के बाद तुरंत नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे, और इस तरह राज्यसभा के सेमीफाइनल से लोकसभा की चुनावी पिक्चर भी लगभग साफ हो जाएगी। एक तरफ सपा और कांग्रेस गठबंधन, तो वहीं सपा को राजा भैया का साथ मिलने की खबरों ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल कुंडा के राजा भैया प्रदेश में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। तो चलिए आपको थोड़ा राजा भैया के बारे में बताते हैं कि वो कौन हैं, किस पार्टी से हैं और सियासत में उनका कद क्या है, जो प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां उनके पीछे रेस लगा रही हैं। हालांकि राजा भैया का रिश्ता दोनों ही पार्टियों से कुछ खट्टा मीठा सा रहा है। बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच दोनों ही पार्टियों की सरकार में राजा भैया निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भी मंत्री बने। राजा भैया का पूरा नाम है रघुराज प्रताप सिंह, जो प्रतापगढ़ के कुंडा की भदरी रियासत से आते हैं। उनके पिता उदय प्रताप सिंह इस रियासत के राजा हैं। बेहद कम उम्र में राजा भैया ने सियासत में आने का ऐलान कर दिया था। हालांकि उनके पिता उनके इस फैसले के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा राजनीति में आए। राजा भैया अपने फैसले पर अड़े रहे तो उनके पिता भी कभी भी उनके लिए किसी भी चुनाव में वोट मांगने नहीं गए। साल 1993 में पहली बार राजा भैया ने कुंडा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता भी। इसके बाद उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। वो 7 बार इसी सीट से विधायक बने और पहली बार भाजपा की कल्याण सिंह सरकार में मंत्री बने। साल 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद कल्याण सिंह ने अपनी सरकार की कुर्बानी दे दी। इस दौरान वो समाज के एक तबके में काफी लोकप्रिय हो गए थे। भाजपा ने इसका फायदा उठाने के लिए साल 1996 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को अपना चेहरा बनाया। इस दौरान कल्याण सिंह कुंडा भी पहुंचे, जहां चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने राजा भैया पर तीखे जुबानी हमले किए। कल्याण सिंह ने यहां राजा भैया को गुंडा तक कह दिया था, लेकिन उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला। हालात ऐसे बने कि बाद में उन्हीं कल्याण सिंह को राजा भैया को अपनी सरकार में मंत्री बनाना पड़ा। साल 1997 में काबीना मंत्री बनने के बाद राजा भैया को मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री बनने का मौका मिला। साल बदला, सरकारें बदली। 2002 में भाजपा के समर्थन से यूपी की सत्ता पर बहन मायावती काबिज हुई तो उन्होंने राजा भैया को आतंकवादी घोषित कर दिया, उन पर पोटा लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। 5 साल बाद फिर सरकार बदली, सपा की वापसी हुई, मुलायम सिंह यादव फिर सीएम बने और सबसे पहले राजा भैया पर लगा पोटा कानून हटवाया। उन्होंने मायावती पर आरोप लगाया कि उन्होंने पोटा कानून का गलत इस्तेमाल किया। राजा भैया जेल से बाहर आए और उन्हें मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया। 5 साल बाद फिर चुनाव हुए, सरकार तो सपा की बनी, लेकिन इस बार मुलायम नहीं बल्कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। अखिलेश ने भी राजा भैया को काबीना मंत्री बनाया, लेकिन बाद में प्रतापगढ़ में तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक की हत्याकांड में नाम आने के बाद राजा भैया को मंत्री पद से हटा दिया गया और इस तरह राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच थोड़ा मनमुटाव शुरू हो गया। हालांकि उस केस में सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दी और अखिलेश ने उन्हें फिर से मंत्री बना दिया। उसके बाद आया साल 2017, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी बाबा ने राज्य की कमान संभाली।
तब भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो योगी सरकार में भी शामिल होंगे, लेकिन राजा भैया ने कहा कि जरूरी नहीं कि वो हर सरकार में शामिल हों। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे राजा भैया के साल 2022 के चुनाव में सपा से फिर से रिश्ते खराब हो गए, जब अखिलेश ने योगी को टक्कर देने के लिए मायावती से हाथ मिला लिया। भला उन मायावती के साथ गठबंधन वाली सपा के राज्यसभा उम्मीदवार को राजा भैया क्यों वोट देते जिन्होंने उन पर पोटा लगवाया था? तो राजा के इस फैसले से अखिलेश काफी खफा भी हुए, लिहाजा उन्होंने कुंडा में राजा भैया के खिलाफ न सिर्फ सपा प्रत्याशी खड़ा किया बल्कि उसके लिए चुनाव प्रचार भी किया। अखिलेश ने कुंडा में कुंडी लगाने की बात की, इस पर पलटवार करते हुए राजा भैया ने कहा किसी माई के लाल में दम नहीं कि कुंडा में कुंडी लगा दी। लेकिन अब एक बार फिर चुनाव आए, फिर से हालात बदले, अखिलेश यादव को फिर से बागी राजा भैया की याद आई तो उन्होंने अपना संदेशवाहक उनके पास भेजा। राजा भैया को मनाने के लिए अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम पटेल को उनके घर भेजा, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि राजा भैया लोकसभा चुनाव में भी सपा को समर्थन दे सकते हैं। वहीं कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि राजा भैया की योगी बाबा के साथ करीबियां बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते वो भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। हालांकि इन सिर्फ कयासों के बीच किसी भी पार्टी और खुद राजा भैया की ओर से औपचारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया, कोई भी बयान औपचारिक तौर पर सामने नहीं आया है राजा भैया की तरफ से। बस उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ दिनों में राजा भैया भी अपने पत्ते खोलेंगे और खुलकर सामने आकर अपने समर्थन का ऐलान करेंगे। किसे करेंगे समर्थन? सबसे पहले हम पहुंचाएंगे आप तक श्रेष्ठ भारत पर। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।